हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भक्ति में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्या है लाफिंग बुद्धा के पीछे की कहानी। महिलाएं अक्सर अपने घर की इंटीरियर डिजाइनिंग के दौरान वास्तु का विशेष तौर पर ध्यान रखती हैं। पर आप अक्सर महात्मा बुद्ध, लाफिंग बुद्ध, फेंगशुई की अन्य वस्तु जैसे विंड चाइम्स वगैरह से घर की आंतरिक साज सज्जा करती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। पुरुषों ने भी अपने घर में, अपने आसपास, ऑफिस में, दुकानों में लाफिंग बुद्धा की तस्वीर या मूर्ति जरूर देखी होगी या लगा कर भी रखी होगी। लेकिन क्या आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि लाफिंग बुद्धा इसका नाम क्यों पड़ा और लाफिंग बुद्धा नाम के पीछे का रहस्य क्या है? लाफिंग बुद्धा का महात्मा बुद्ध से कोई संबंध है या नहीं? महात्मा बुद्ध को हम एक ऐतिहासिक या आध्यात्मिक चरित्र के रूप में जानते हैं। कहीं तो उन्हें भगवान राम का अवतार भी माना जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या है, आइए जानते हैं। क्या है बुद्ध का वास्तविक अर्थ? बुद्ध किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, बल्कि एक अवस्था का नाम है। बुद्ध का वास्तविक अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति होना। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो ही बुद्ध कहलाने लगता है। बुद्ध की अवस्था को हम और आप भी प्राप्त कर सकते हैं, बस इसे जगाने की देर है। कौन थे लाफिंग बुद्ध? महात्मा बुद्ध के बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से जापान के एक बुद्ध जिनका नाम था होतेई। कहते हैं जैसे ही होतेई को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, वह स्वयं ही हंसने लगे और आजीवन हंसते रहे। उनका एकमात्र उद्देश्य था लोगों को खुश रखना और हंसाना। वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और लोगों को हंसाते थे। लोगों को भी उनकी हंसी से आनंद आता था। वे उनकी उपस्थिति में बेहद ही खुश रहते थे। कभी कभी तो लोग उनकी हंसी देखकर अचंभित हो जाते थे। जापान में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्ध यानी लाफिंग बुद्धा कहने लगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ खड़े हैं। वे बीच बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंसते। धीरे धीरे वो लाफिंग बुद्धा के नाम से पूरे जापान में प्रसिद्ध हो गए। लोग होते ही की प्रतीक्षा करते, हालांकि उनके पास देने के लिए कोई प्रवचन या उपदेश नहीं था, लेकिन फिर भी लोग वहां एकत्रित होते और पूरी भीड़ उनके साथ हंसती। क्या था होते ही के हंसने का कारण? उनके हंसने का कारण किसी को भी नहीं पता था। उनके हंसने के कारण सब खुश रहते थे, लेकिन फिर भी कई लोग थे जो उनसे कुछ और जानने का प्रयास करना चाहते थे। उस समय होते ही बोले, मेरे पास बिताने के लिए कुछ ही समय बचा है। तुम लोग बेकार में ही रोते रहते हो। कुछ लोगों को एक मूर्ख की आवश्यकता है जिस पर तुम सब हंस सको। यही मेरा संदेश है। तुम लोग जी भर के हंसो। तुम्हारा यू रोना और शोर मचाना व्यक्तिगत समस्या है। पूरी सृष्टि हंस रही है। चंद्रमा, तारे, पक्षी, फूल, पौधे सब हंस रहे हैं। तुम रोए चले जा रहे हो। अपनी आंखों को खोलो, जागो और हंसो। यही मेरा संदेश है और कुछ नहीं। ओसो अष्टावक्र महागीता का यह उपदेश है। उनका सन्यासी की तरह घूमना जारी रहा और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पूरे जापान को हंसाया। लोग उनके सानिध्य में रहकर हंसना सीख गए। कहते हैं यही होते ही का ध्यान था। उनकी समाधि भी यही थी। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि वो बिना किसी कारण के हंस सकते थे और इसके द्वारा शांति का अनुभव किया जा सकता था। ये एक अलग और बहुत ही कारगर ध्यान का मार्ग था। दोस्तों, हमने आपको बताया लाफिंग बुद्धा का नाम क्यों पड़ा और क्या कारण है कि लोग उन्हें अपने घर में रखते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।